धीरेन्द्र शास्त्री, पांच सवाल के जवाब उनके सामने सवाल रख दिए जाएं तो जवाब नहीं दे पाएंगे, बाबा गिरी उनकी छोड़वा देंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या अब बागेश्वर धाम सरकार का दरबार जेल में सजेगा? क्या बागेश्वर बाबा की गिरफ्तारी हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से सुर्खियों पर बने रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं, वो अब विवादों का एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। और अब तो उन्होंने हजरत अली पर जो बात कही है उसे सुनकर कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बढ़ गई? क्यों हर तरफ इसी की चर्चाएं हो रही है? आज मैं ने आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा, बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों वैसे तो अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार लोगों की चर्चा का विषय रहते हैं, लेकिन जब शनिवार को अचानक से ही धीरेन्द्र शास्त्री नाम का कीवर्ड ट्रेंड करने लगा तो हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि अब धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कर दिया। और फिर जब धीरे धीरे बात बढ़ने लगी तो कहा जाने लगा धीरेन्द्र शास्त्री ने हजरत अली पर टिप्पणी करके अपने आप को एक बड़े विवाद में फंसा लिया। यहां तक कि हजरत अली को मानने वाले लोग तो लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जहां देखते ही देखते धीरेन्द्र शास्त्री वाला हैशटैग अरेस्ट बाबा बागेश्वर में बदल गया। और हर कोई बस यही सोच रहा है क्या वाकई में बागेश्वर धाम बाबा गिरफ्तार हो जाएंगे। असल में दोस्तों हुआ ये कि हमेशा की तरह धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा सुना रहे थे, तभी एक दिन धीरेन्द्र शास्त्री उन हिंदुओं पर तंज कस रहे थे जो दरगाह जाकर चादर चढ़ाते हैं और मंदिर जाकर भगवान को फूल भी चढ़ाते हैं। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने हजरत अली को लेकर कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो विवाद का मुद्दा बन गया। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये हम अपनी वीडियो में नहीं कह रहे, लेकिन कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने ये जरूर कहा कि जो हिंदू चादर चढ़ाने के चक्कर में पड़ते हैं उनको बता रहे हैं कि हम ये किसी के अपमान में नहीं कह रहे, बल्कि हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में कह रहे हैं। दुनिया के किसी भी धर्म का गुरु हमारा सामना नहीं कर सकता। धीरेन्द्र शास्त्री वीडियो सोशल मीडिया पर आया जहां उन्होंने इस तरह की बात कही तो वीडियो आग की तरह वायरल होने लगा, लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। यहां तक कि मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना अब्बास ने लखनऊ के चौक कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए मौलाना ने ये अपील करते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री पर हर शहर में FIR दर्ज करवाई जाए ताकि आगे से हजरत अली की शान में कोई कुछ न बोल पाए। मौलाना का कहना है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन करेगा। इतना ही नहीं, मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो बस कहने को बाबा है, हिंदू धर्म गुरुओं ने भी उसे ढोंगी बताया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ दिनों पहले अपने समागम में हमारे पहले इमाम हजरत अली के खिलाफ बेतुका बयान दिया था, उन्हें अपशब्द कहे थे। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मौलाना अब्बास अपने साथ कई मौलाना और अनुयायियों को लेकर थाने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी लिखा कि हजरत अली के हिंदू देवी देवताओं से तुलना करके धीरेन्द्र शास्त्री ने मुरारी बापू और श्री रविशंकर का भी अपमान किया है, जिन्होंने खुद दरगाह में जाकर चादर चढ़ाई थी। अब जैसे ये सारी बातें लोगों के सामने आई मामला तेजी से बढ़ने लगा, लगातार धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने की बात सामने आने लगी। मुस्लिम समाज के लोग धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं, यहां तक कि प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। अब मामला तेजी से बढ़ने लगा तो धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांग ली और माफी मांगते हुए उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो अली वाली घटना है, दरगाह में कोई जिन आया था, जिन ने कहा मेरा नाम अली है तो हमने कह दिया अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौलाना अली से जोड़ दिया गया जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है। हम कभी भी किसी के मजहब के भगवान या धर्म गुरु के खिलाफ नहीं है, हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान है। मौला अली अहिंसा के पुजारी हैं, मेरे वीडियो पर दुष्प्रचार हुआ, मेरी बात से अगर किसी को दुख पहुंचा तो मैं इसके लिए हमें खेद है, हमारी भावनाओं को भी दुख पहुंचा है, हम क्षमा के प्रार्थी हैं, लेकिन मौला अली के लिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हम सिर्फ एक जिन्न के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम अली था। देखो ये जो मौला अली वाली चर्चा है
ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है। तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया जो सरासर षड्यंत्र है। यानी कि दोस्तों, माफी मांगते हुए धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार ने ये बात साफ कर दी कि उन्होंने हजरत अली के बारे में नहीं बल्कि जिन्न अली के बारे में बात की थी, जिसे वो अपने दरबार में बजरंग बली की ताकतों से भगाने जा रहे थे। अब धीरेन्द्र शास्त्री के माफी मांगने के बाद कई लोग तो शांत हो गए, लेकिन कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, इस तरह नहीं करना चाहिए था। आगे आने वाले समय में धीरेन्द्र शास्त्री ऐसी गलती ना करे, इसलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए और उनसे ये बयान भी ले लेना चाहिए कि जो कभी भी इस तरह की कोई टिप्पणी वो करेगा दूसरे धर्म या फिर दूसरे धर्मगुरु के बारे में नहीं करेंगे। अब क्या ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, यह तो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी मामला ठंडा नहीं हुआ। लोग लगातार धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वही धीरेन्द्र शास्त्री है जिन्होंने बुलडोजर चलाने वाली बात कहकर भी एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की थी और काफी विवादों में रहे। अबे पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। जिसकी वजह से कई मीडिया हाउस ने इनसे सवाल पूछे और फिर इन्होंने ये जवाब दिया था कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता हैं और अगर उन्हें कोई कुछ गलत कहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी बात को लेकर अब मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे हैं कि हजरत अली हमारे पूर्वज हैं, अगर उन्हें कोई कुछ कहेगा तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से ये मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी तरफ से माफी मांग ली है, लेकिन ये देखना होगा अब केवल उनकी माफी से काम चलता है या फिर विवाद पुलिस और गिरफ्तारी तक पहुंच जाता है। हमारे हिसाब से तो धीरेन्द्र शास्त्री को इतने में समझ आ गया होगा कि वो अब दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, जो धीरेन्द्र शास्त्री ने किया वो सही है या गलत है? क्या इसके लिए उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में आप ही बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।